ईद हमने मनाई तुझे देख कर, चांद कितना सजा का सजा रहे। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर के बारे में, जो न केवल एक दमदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। सर ने अपनी सेवा के दौरान बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जैसे कि दिल्ली में लापता बच्चों को ढूंढना, महिलाओं की सुरक्षा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। सर ने अपना मात्र 8 महीने में 45 kg वेट लॉस करके एक एग्जाम्पल सेट किया है। मैं अंडमान गया, सुनामी आ गई। सुनामी आया भाई, पता ही नहीं था। मुझे याद है मेरे वहाँ पे आईजी थे उस समय देओल साहब, मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा सर क्या करना है, हमें हार्डवेयर भेज रहे थे। बोले भाई यही तो पता करना, करना क्या। पावर के बाद आईपीएस एक जिम्मेदारी होती है। कोई बड़ा पद जो है पावर नहीं होता है। पावर को यही कहते ना कि हम आईपीएस को या पुलिस विभाग को हम पावर से जोड़ के देखते हैं, ये भी एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। बात अप्रैल 2021 की है। दिल्ली मेट्रो सर्विस में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात पुलिस अधिकारी जितेंद्र मणि त्रिपाठी के निजी मोबाइल नंबर पर देर रात एक मैसेज आया और उस मैसेज भेजने वाले शख्स ने बताया कि उसका बैग मेट्रो ट्रेन में खो गया है। शख्स ने यह भी बताया कि उस बैग में उसकी माँ के हाथ के बने सत्तू की रोटियां भी थी। जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने बिना देर किए अपनी टीम को उस बैग को खोजने में लगा दिया और कुछ ही देर में उस बैग को उसके मालिक तक पहुंचा दिया। उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरने वाले दिल्ली पुलिस की सुपर कॉप अब 1.5 साल बाद फिर से सुर्खियों में। दरअसल जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने महज 8 महीनों के भीतर 46 किलो वजन घटाकर पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया है। जिसमें कविताएं हैं मेरी वाइफ को डेडिकेटेड हैं, सारी कविताएं उन्हीं पर लिखी। आपने सर खुद से उन पर लिखी हुई कविताएं हैं जी। और ये थोड़ा सा इसमें ये है कि और भी सब्जेक्ट है, मतलब विविधा जिसे कह सकते हैं, डिफरेंट विषय को लेकर के इसमें रचनाएं हैं जी। और एक अच्छी रचना आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। बच्चों को खोजा जाए जी, तो मैंने एक टारगेट लगा करके अपने स्टाफ को लगाया और करीब 620 बच्चों को मैंने खोजा 2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। कहते ना कि पत्थरों का शहर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तिजा आईना। और उसमें एक लाइन है कि देखकर लोग तुझको संवरने लगे, देखकर लोग तुझको संवरने लगे, अपने किरदार को यूं बना आईना। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग देख के आपको मोटिवेट हों। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों के लिए मैंने कई सारे UPSC टॉपर का इंटरव्यू किया, कई सारे UPSC एस्पिरेंट का वीडियो बनाया, मुखर्जी नगर का वीडियो बनाया, करोल बाग जाके शूट किया। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं IPS जितेंद्र मणि सर से। तो आइए चलते हैं, अब सर से बातचीत करने वाले। आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद सर। अपने बारे में आप कुछ बताइए सर, शुरुआत से। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान थे जी, और हम गोरखपुर के एक छोटे से गांव बालभीटी में मेरा जन्म हुआ जी जी। और वहाँ से स्कूलिंग, गोरखपुर से स्कूलिंग करके मैं यूनिवर्सिटी में आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस और डिफेंस से जी। और पोलिटिकल साइंस से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया वहाँ से, और वहीं से फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी की जी। और 2001 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था जी। तो सर आपको मतलब शुरुआत से, शुरू दिन से ही सपना था IPS बनने का, या फिर परिवार में मतलब कोई ऐसा होता है रिलेटिव में कोई IPS रहा हो? मेरे फूफा जी थे वहाँ पे, SDM थे UPPCS में जी। उनके साथ 3-4 साल रहा था मैं जी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ रह के एक प्रेरणा मिली कि इस तरह की सर्विस में आया जाए और अच्छा है, ये करने लायक भी ठीक है और लोगों की सेवा करने का अवसर भी मिलता है जी। तो इसकी महत्ता भी है समाज में, तो इस चीज़ को देख करके प्रेरणा मिली थी वहाँ से जी। तो सर सर्विस के दौरान, बताइए आप कुछ ऐसा किस्सा, कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए जहाँ भी रहते हैं कोशिश करते हैं कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। जैसे मैंने अभी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन किया, तो मैंने अभी एक बैंक से बात करके और 20,000 पेड़ों का मैंने प्लांटेशन कराया जी। तो मतलब जब से ये ट्रेनिंग एकेडमी बनी है वो इतना पेड़ एक बार में नहीं लगाया गया। तो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं मेट्रो में था,
तो मेट्रो बंद थी तो लोगों ने कहा भाई अभी मेट्रो बंद है तो क्या किया जाए, तो मैंने बच्चों को खोजा जाए जी। तो मैंने एक टारगेट लगा करके अपने स्टाफ को लगाया और करीब 620 बच्चों को मैंने खोजा ढाई साल के अंदर, सवा दो साल के अंदर। तो 620 बच्चों को खोजने से मतलब उतने 620 बच्चे सर लापता थे, हाँ, दूसरे जिलों के, हमारे नहीं, मेट्रो के एक भी नहीं था उसमें जी जी, किसी और जिले से गायब थे, दिल्ली के आसपास जी, दिल्ली के ही थे लेकिन जैसे साउथ दिल्ली के हैं, नॉर्थ वेस्ट के हैं, आउटर के हैं। तो हमने सबको खोजा, मतलब मेट्रो बंद थी, लगता है भाई काम हमारा है ही नहीं, मेट्रो बंद है तो आराम करो, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें, मेरा एक देखे तो मैं कहता ना कि पत्थरों का शहर है बचा आईना जी, कर रहा है यही इल्तिजा आईना, और उसमें एक लाइन है कि देखकर लोग तुझको संवरने लगे, देखकर लोग तुझको संवरने लगे, अपने किरदार को यूं बना आईना। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग देख के आपको मोटिवेट हों, अपनी एक एग्जाम्पल ली आप समाज में एक उदाहरण बन के आ सकें, जैसा कि अभी वेट लॉस जर्नी के बारे में आप मेरे देखिए जी जी, मैंने देखा था कि एक हफ्ते में आपने 111 किलोमीटर सर ने जी, मैं बिल्कुल 117-118 किलोमीटर चला था और डेढ़ लाख कदम जी, तो 1.5 लाख कदम मैं चला था, अभी दो हफ्ते पुरानी बात है ये, तो मैं लगातार एक्सेल कर रहा हूँ, 14,000 चला, फिर 15,000 चला, अब मैं 20,000 पे चल रहा हूँ, और आज भी ये देखिए मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे आप रैंडम आए कभी भी जी जी, तो मुझे लगता है आज भी 20,000 हो गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं 20,000 चल चुका हूँ। ये देखिए 21,249 कदम मैं चल चुका हूँ सुबह से जी, अभी आधा दिन बाकी है। तो बात एक्सेल करने की, अगर हम कुछ करना चाहें, मोटिवेशन हो, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यस यू कैन डू एनीथिंग, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर क्षमता है, असेसमेंट की ज़रूरत है जी। अगर आप रियल असेसमेंट करेंगे, जैसे कि मैं पढ़ता था शुरू में, मेरे भी बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, कहता ना तुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है जी, बहुत ये लाइन बहुत तगड़ी है, कहती भाई तुम हवाओं घूम रहे हो, देखो सही यार कहाँ खड़े हो तुम जी। जब हमने इस बात का एहसास किया, ठीक है पढ़ते हैं, लेट्स रीड। आजकल देखते हैं बच्चे सर बात बात पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं मुखर्जी नगर करोल बाग में। देखिए ऐसा है ना कि उत्साह नहीं है, करने की चाहत नहीं है, उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, उतना लड़ने का मादा नहीं है। मैं नई पीढ़ी के लिए एक संदेश सुनाता हूँ कि पाँव पे जमीन सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, मुझको नहीं रोकेंगी ये कमजोर बिजलियाँ, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। तो आपके अंदर वो क्षमता है, वो मोमेंटम आपको लाना है कि वो कहे अब टूट गिरी हैं जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से निटाले जाएंगे, बढ़ते भी चलो चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत और सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो एक ये फीलिंग होनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ अर्जुन बनना आसान है, इकलौ बन के दिखाओ। मेरे उदाहरण बड़े अजीब से होते हैं, लोग कहते हैं इसमें क्या है, मैंने कहा सोशल मीडिया पे मैं देखते रहता हूँ सर आए दिन आपको। एकलव्य का मतलब ये है कि आपके अंदर सुविधा नहीं है जी, लेकिन लगन है। अर्जुन मतलब राजा का बेटा, अर्जुन मतलब विश्व का सबसे बड़ा गुरु उसको सिखा रहा है। ऐसे में अगर अच्छा बन भी गया तो मैं नहीं मानता बहुत बड़ी बात, मैं मानता हूँ एकलव्य को जी, जो सामान्य परिवार से था, सुविधाएं कम थी, और उतना अच्छा गुरु क्या, गुरु की मूर्ति बना के वो प्रैक्टिस कर रहा था, और उसकी प्रैक्टिस से गुरु भी डर गए, अर्जुन भी डर गया जी। जो कहानी में आता है कि दोनों घबरा गए कि भाई ये कौन है जो मुझसे अच्छा तीर चला रहा है। सवाल ये, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि आपको बिना सुविधा के, बिना गुरु के आपको एकलो बना सकती है। नई पीढ़ी से कहता हूँ कोचिंग, मैंने कोई कोचिंग नहीं की बिना कोचिंग के सर। लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से हूँ सारे। देखिए जब सब कुछ अच्छा ही होगा, जब नौ मन तेल होगा तो राधा ना चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना तेल के राधा नाचती है तो कोई बात है ना जी। बात तो तब है जब सुविधाएं नहीं है हम करेंगे, विषम परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियों का दोष देना जब हमें पहले ही हम हारने को तैयार हो जाते हैं, फिर हम उदाहरण खोजते हैं कि हम ये कहेंगे अरे यार इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, अरे यार मैंने तो कोचिंग की नहीं, हम पहले ही उदाहरण खोल देते हैं जी। अगर हम उदाहरण खोजने लगेंगे हम कभी नहीं जीतेंगे। परिस्थितियां क्या है वो छोड़िए, हमें जीतना है। तमाम ऐसी लड़ाइयां दुनिया के, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लोगों ने जीती हैं। कहते हैं बाबर जैसे लड़ाई लड़ रहा था कि उसने अपने दारू को फेंक दिया, दारू नहीं पियेंगे। मोटिवेट करना, अपनी इस टीम को मोटिवेट करना है। हार गई है, सब कुछ बिखर गया, लेकिन तब भी क्या हम अपने आप को समेट सकते हैं जी जी। अगर ये आपके अंदर है तब कुछ भी कर सकते हैं। वरना ठीक है भाई, अंबानी का बेटा तो अंबानी हो रहा ठीक है, लेकिन धीरू भाई अंबानी से अंबानी बनना बड़ा कठिन है। अभी जो आगे की पीढ़ी है उसके पास 20 लाख करोड़ का एसेट है, लेकिन धीरू भाई अंबानी जो बड़ी गरीबी से रहते थे, जैसा कि आया पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, वो परिस्थितियां थी, वहां से 1 लाख करोड़ तक आना बड़ा कठिन, लेकिन 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ बनना बहुत कठिन काम नहीं। तो वो जो पीढ़ी जो उस काम को करती है, जो नींव बनाती है, वो बहुत संघर्ष करती है, और उसके लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा धैर्य, परिश्रम और लगन की ज़रूरत होती है। जी सर, एक IPS के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेज होते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ कि परिस्थितियाँ हर बार एक नया रूप लेके आती हैं हर बार। देखिए हमें तो जैसे हमारी टीम में, मैं मेट्रो में था जैसे 900 आदमी है, या मैं 7th बटालियन में था मेरे पास 1600 आदमी थे। 1600 आदमी की लाइबिलिटी आपको लेनी कि 1600 आदमी ठीक करें, कोई गलत काम करेगा कहीं कोई गलत पकड़ा जाएगा, भाई आपका आपके अंडर में काम गलत हो रहा है, तो अपना जिम्मेदारी लेना बड़ा कठिन है। भाई हम ठीक है, हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बट 1600 लोगों की जिम्मेदारी लेना कि सारे अच्छा काम कर रहे हों और सारे काम कर रहे हों, इसके लिए आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत है। चैलेंज तो बता रहा, जिंदगी हर बार नया लाती। मैं अंडमान गया, सुनामी आ गई। सुनामी आया भाई पता ही नहीं था, मुझे याद है मेरे वहाँ पे IG थे उस समय देओल साहब, मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा सर क्या करना है, हमें हार्डवेयर भेज रहे थे। बोले भाई यही तो पता करना, करना क्या वहाँ पता ही नहीं कि क्या करना है, वो तो वहाँ जाके देखेंगे वहाँ क्या परिस्थिति है उस हिसाब से काम करेंगे। और वही हुआ था, वहाँ गए तो सारे टापू पे पानी चला गया था, सारी बिल्डिंगें गिर गई थी, लोग उसके नीचे दब के मर गए थे। अब बिल्डिंग हटाने का कोई वहाँ पर क्रेन नहीं था, कुछ नहीं था, अब लाशें सड़ रही हैं, कौन किसके अंदर मरा पड़ा है कुछ पता नहीं। ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना, चारों ओर से बदबू आ रही है, 3-4 दिन बाद से बदबू, चारों ओर बदबू, कहीं जा रहे हैं सड़ी बदबू आ रही है। तो बात यह कि वो जमीन पे, मैं बता रहा हूँ जिस दिन मैं अंडमान गया, मुझे मतलब वर्दी पहन के, वो पीला जो प्लास्टिक का होता ना जो बिछाते हैं, उसको बिछा के मैं बाहर सोया। मतलब वहाँ, मतलब आपको परिस्थितियाँ कोई भी चलने दे सकती, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ये AC कमरा मिलेगा और हमेशा आपको ऑफिस मिलेगा, कभी भी इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती हैं। तमाम यहाँ पे राइड्स हुए हैं, तमाम यहाँ पे मॉब्स के जो चैलेंजेस आए हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन हम लोग लगातार बॉर्डर पे बैठे रहे हैं, अभी किसानों का आंदोलन था। तो जब भी जहाँ जैसी परिस्थिति आती है, हमें लगातार 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, 14-14 घंटे। उस हिसाब से अपने आप को हमें सशक्त बना के रखना पड़ता है कि जैसी परिस्थिति आए उसे काम करेंगे। सर आपके अंदर में कितने थाने आते हैं यहाँ पे? सर देखिए हर जिले का अलग अलग है, जैसे मेट्रो में था 16 थाने थे मेरे पास अभी। जी जी। अब मैं इस वक्त ट्रेनिंग एकेडमी में हूँ, तो यहाँ पे वजीराबाद है और द्वारका, दो एकेडमी मेरे अंडर में है, तो यहाँ पे तमाम जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है और बेसिक ट्रेनिंग होती है। जी। तो डिस्ट्रिक्ट में हर जिले का अलग अलग है, कहीं 10 थाने कहीं 12 थाने, मेट्रो में स्पेशली 16 थाने थे जिसका मैं करीब 3 साल तक अभी इंचार्ज था, 2020 से लेकर 23 तक मैं वहीं पर था, अभी मैं 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले यहाँ आया। जी सर, एक IPS को और क्या क्या पावर होते हैं जरा सर बताइए, सर हमारे दर्शक वगैरह जानना चाहते हैं। देखिए IPS पावर की बात नहीं, IPS एक जिम्मेदारी होती है, कोई बड़ा पद जो है पावर नहीं होता है। पावर को यही कहते हैं कि हम IPS को या पुलिस विभाग को हम पावर से जोड़ के देखते हैं, ये भी एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। जैसे फिल्म वगैरह में देखते हैं हम लोग। देखिए होता क्या, पुलिस जो बनी थी वो नकारात्मक रोल के लिए ही बनी थी, अंग्रेजों ने बनाया था कि जनता को दबा के रखो, जनता विद्रोह न करे, लेकिन आज़ादी के बाद ये परिस्थितियाँ नहीं है। पुलिस सर्विस एक शब्द है, पुलिस फोर्स एक शब्द है, वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम पुलिस फोर्स टू पुलिस सर्विस, दिस इज फॉर द वेलफेयर सर्विस, हम सेवा के लिए तत्पर हैं। आजकल का हमारा बीट कांस्टेबल जाता है वहाँ पे, किसी बूढ़े का जो कोई सीनियर सिटीजन है उसका बिजली का बिल जमा कराता है, उसकी कोई हाल खबर लेके आता है, तो हम वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर तो अपनी जगह पर है ही है, वो तो हमें करना ही करना है, केसों की जाँच भी करनी है, लेकिन जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं वो काम भी हम कर रहे हैं। और ये परिस्थितियाँ जो जापान में जैसे कबन पुलिसिंग है, मतलब ये है कि हम सर्विस करने को तैयार, वी आर रेडी टू सर्व। जैसे होता ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट एक ही है लेकिन मनस्थित का अंतर। ब्यूरोक्रेट क्या करता है, वो बाधाएं पैदा करता है काम करने के लिए कि काम हम ना करें, तरकाएं भगाएं लोगों को घुमाएं। सिविल सर्विस क्या है, सिविल सर्वेंट क्या है, यस प्लीज वेलकम मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो परिस्थितियाँ ये है कि हमें ब्यूरोक्रेट से सिविल सर्वेंट की मेंटेलिटी में जाना है, और जिस दिन ये परिवर्तन पूरा हो जाएगा हम 100% जनता की सेवा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही, लेकिन ये हमें अभी बहुत आगे जाना है और हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम सफल हो रहे हैं। ओके सर, अपनी टाइम टेबल बताइए सर कि कैसे कैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं? भाई देखिए ऐसा है कि मैं जैसे मैं वॉकिंग मेरा इसमें पैशन है, तो मैं 6 बजे मतलब 5:30 बजे उठता हूँ। जी जी। 6 बजे मैं श्रीफोर्ट जाता हूँ और करीब 2.5 घंटे तैरता हूँ, वहाँ पर वॉकिंग करता हूँ। जी। तो मेरा 15,000 से 20,000 स्टेप का मेरा टारगेट होता है, और उसी बीच जो कोई रिपोर्ट अगर लेनी है या मॉर्निंग डायरी देनी है, वो चीज़ें वो ऑलरेडी उसमें चलती रहती हैं, फ़ोन पे ले लिया, फ़ोन पे ही ऊपर सीनियर अफसरों को पास करना पड़ता है। जी। तो वो काम भी चलता रहता है, लेकिन पहले ही मैं 8:30-9 बजे तक करता हूँ, फिर वापस आते हैं अपना घर पर, नहावा के थोड़ा सा पूजा की कुछ फल लिया, उसके बाद वहाँ से फिर अपनी जैसी ड्यूटी टारगेट है, कोई मीटिंग है कहीं पर, इंस्पेक्शन पर जाना है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैं कि हमें कोई जनता की सुनवाई करनी है, तो तमाम तरह के टारगेट्स हैं जिन्हें करना होता है, अपने स्टाफ को जाकर थानों को चेक करना पड़ता है, और यहाँ जैसे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में जाकर देख लिया ट्रेनिंग सही चल रही है, लोग टाइम से आ रहे हैं, अपना स्टाफ टाइम से आया हुआ कि नहीं आया हुआ है, तो जो सुपरविजन का हमारा काम है उसको हम करते हैं,
और शाम को फिर जैसे सबको टारगेट असाइन करते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे भेज दिया भाई ये करना है, सबको दे दिया, फिर शाम तक उसकी रिपोर्ट ले ली भाई क्या हुआ क्या हुआ आपने क्या किया। तो डे टू डे मॉनिटर करके हम चीज़ों को कराते हैं जिससे कि हमारा टारगेट अचीव हो और हम अच्छा काम कर सकें। आपने अभी हाल ही के दिनों में कुछ एक किताब लिखी है सर, उसके बारे में कुछ बताइए सर। मैंने दो किताबें लॉन्च की हैं, एक तो मेरी है पुरानी किताब थी कहीं तो हंसी हो, और एक है मनी की किरण। क्या है सर दोनों का थोड़ा? दोनों काव्य संग्रह है। मेरी वाइफ को बेसिकली मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो ब्रेन कैंसर हुआ था, उनकी डेथ हो गई 2018 में जी। तो मैंने 18 में पहली किताब लॉन्च की थी और 2022 में अपनी दूसरी किताब मैंने लॉन्च की, और दोनों किताबें वहाँ कॉर्नर में रखी हूँ, अगर आप चाहें तो जी जी उसको ऊपर रखी है, देखिए तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा ऊपर है। कौन सी? ये दोनों है सर? दोनों एक एक दोनों ले आइए उसमें। तो ये दोनों पुस्तकें काव्य संग्रह है ये दोनों किताबें। ये पुस्तक तो मेरी टोटल जिसमें कविताएं हैं मेरी वाइफ को डेडिकेटेड है, सारी कविताएं उन्हीं पर लिखी हैं। आपने सर खुद से उन पर लिखी हुई कविताएं हैं जी। और ये थोड़ा सा इसमें ये है कि और भी सब्जेक्ट है, मतलब विविधा जिसे कह सकते हैं, डिफरेंट विषय को लेकर के इसमें रचनाएं हैं जी। और एक अच्छी रचना आप कहें तो मैं सुना देता हूँ जी। जी सर सुनाइए सर कुछ। मैंने चांद पे लिखा था एक कि लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, हुस्न उसका यहाँ बेमजा रह गया, ईद हमने मनाई तुझे देख कर, चांद कितना सजा का सजा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, सादगी आपकी आपका हुस्न ये, दाग में चांद वो कितना सफाक ये, यार मेरा जो छत पे गया आज तो, चांद भी बस ठगा का ठगा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, और चांद की चांदनी संग मामूर थी, यार के मेरे आगे वो बेनूर थी, चांद की चांदनी कितनी मध्यम पड़ी, यार मेरी बला की अजब हूर थी, ओ चांद सुंदर है ये बात कितनी गलत, चांद सुंदर है बस फलसफा रह गया, बहुत सुंदर सर। हमने मनाई तुम्हें देख कर। बाकी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें सर के साथ, हम लोग किसी दिन और बनाएंगे वीडियो, आज सर के पास थोड़ा टाइम कम था बस, लेकिन सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सर मुझे समय दिया। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।